हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम्स किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की पूरी। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए बनाते हैं पालक की पूरी। और पालक में बहुत ही आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और बच्चों को, वैसे तो बच्चे खाना नहीं चाहते पालक की सब्ज़ी, लेकिन अगर हम उन्हें पूरी के माध्यम से उन्हें खिलाना चाहें तो बड़े आराम से खा लेते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं पालक की। गाइस, हमने पालक की पूरी बनाने के लिए ये 250 ग्राम पालक है जिसकी हमने पत्तियाँ ले ली हैं और साफ़ करके धो के रख लिया है। तो अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। इसको हम भगोने में डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक गिलास पानी। और अब हम इसे गैस पर उबलने के लिए रख देते हैं और लगभग 5 मिनट हम इसे उबालेंगे और उसके बाद ठंडा होने देंगे। तो गाइस, ये हमारा पालक उबल चुका है और हमने इसका पानी छान दिया था छलनी में, तो अभी ठंडा भी हो गया है। तो अब हम इसको जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये हम इसे जार में डाल देते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, ये हमने हरे धनिए की पत्ती काट के रखी हैं, एक टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च, इसके साथ ही हम पीस लेंगे। तो गाइस, ये हमने जो पालक उबाला था उसको पीस लिया है। और ये हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है, लगभग 250 ग्राम आटा होगा ये। और अब हम इसमें पहले मसाले डालेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। और 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, इससे पूरी बहुत ही खस्ता बनती है हमारी। और आटे में हम ये पालक जो हमने पीसा था इसको इसमें डाल लेंगे। और इसको इस तरह से मिलाएंगे। पहले हम इसे पालक में ही मिलाएंगे, पानी नहीं डालेंगे। अगर हमें पानी की बाद में ज़रूरत होगी तो थोड़ा बहुत पानी हम ले सकते हैं। तो पहले हम इसे पालक से ही इस तरह से आटे को गूंथेंगे। तो देखिए गाइस, ये पालक हमने इसमें मिला लिया है, थोड़ा आटा हमारा सूखा लग रहा है, तो हमने जो जार में पालक लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है। और इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को सही करेंगे हम। ये देखिए,
ये देखिए हमारा आटा सही हो गया है। अब इसमें हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा पानी लगा के वो सही कर लेंगे हिसाब से। अब हमारा आटे का डो तैयार हो चुका है, तो हम इसे 5 मिनट के लिए सही होने के लिए, ये सेट हो जाए इससे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो गाइस हमारे आटे को 10 मिनट करीब हो गए हैं और हम कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। और थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा के आटे को हम सही कर लेंगे इस तरह से। और इसकी छोटी छोटी लोई बना के तैयार कर लेंगे पूरी बनाने के लिए। इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसकी हम लोई बना लेंगे। पालक की पूरी बहुत ही पौष्टिक होती हैं, तो हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और घर में नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो गाइस हम ये लोई लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और ये पूरी हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरी पूरी भी बना लेंगे। तो देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी फूल गई है। अब इसको पलट देंगे। ये देखिए सारा से इसे पलट पलट के सेक लेंगे। तो देखिए गाइस ये हमारी पूरी बनके तैयार हो चुकी है। इसे इस तरह साइड से लगा, साइड में लगा लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और दूसरी पूरी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको निकाल लेंगे। अपने वो पूरी बनती है, इतनी देर में हम दूसरी पूरी अपनी बेल कर तैयार कर लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितनी अच्छी सिक रही है हमारी पूरी। तो देखिए गाइस ये हमारी पालक की पूरी बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही पौष्टिक होती हैं, तो इन्हें हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और बच्चों को पूरी बहुत पसंद आती हैं, तो उनके लिए हम जब चाहें तब बना सकते हैं। तो गाइस हमारी पालक की पूरी बनकर तैयार है, आप इन्हें ज़रूर बनाइए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रेसिपी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।